हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा रोडवेज का चक्का एक बार फिर से जाम होने जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी 7-8 जनवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं, इसे लेकर तैयारी भी चल रही है। जींद में तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता आजाद गिल ने बताया कि किलोमीटर स्कीम न तो जनता के हित में है और न ही विभाग के हित में है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं तालमेल कमेटी के नेता अनुप लाठर ने परिवहन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवहन मंत्री बयान में कुछ कहते हैं और कार्रवाई कुछ करते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को प्राइवेट बसें बंद कर देनी चाहिए और किलोमीटर स्कीम को रद्द कर देना चाहिए। 6 तारीख को सभी जिला मुख्यालय तक प्रदेश कार्यकारिणी के आदेशानुसार मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हरियाणा रोडवेज जींद डिपो के कर्मचारी भारी संख्या में भाग लेंगे। वह प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करेंगे। उसके बाद 7 तारीख और 8 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी तालमेल कमेटी की घोषणा अनुसार, उनके आदेशानुसार पूर्ण रूप से जींद डिपो का चक्का जाम रहेगा। आज जो 29 तारीख को रोहतक में तालमेल कमेटी का जो कन्वेंशन हुई थी प्राइवेट परमिटों के विरोध में, जो अब किलोमीटर स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ये बसें चलाना चाहती है, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी इनका विरोध करता है और इसी विरोध के कारण आज ये तालमेल कमेटी की डिपो कमेटी की मीटिंग थी। जो आगे 7 और 8 जनवरी की हड़ताल होनी है, उसकी तैयारी के लिए हम अपनी यहाँ मीटिंग कर रहे थे और उसमें हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि हरियाणा रोडवेज में जींद डिपो का 7 और 8 जनवरी को पूर्ण रूप से चक्का जाम रहे। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल एक बार फिर आपके लिए दोहरा रहे हैं। देखिए